हम लोग आज टोल का घेराव कर रहे हैं। प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। टोल प्रबंधन से बात करें और हम खुद बात हुई अभी और हमारी दो चीज़ों पे सहमति बनी है। याद अभी हम खड़े हैं उदयपुर से राजसमंद जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नेगड़िया टोल पर, और अगर मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आज सुबह से ही यहाँ पर महाघेराव चल रहा है। सुबह से ये गतिरोध बना हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ आसपास के क्षेत्र के आए हुए युवा कुछ मांगों को लेकर लगातार मुखर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन पूरे प्रदर्शन के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें पहली मांग तो ये कही जा रही है कि जो देलवाड़ा तहसील क्षेत्र है उसके नागरिकों को इस नेगड़िया टोल पर आने जाने की निःशुल्क सुविधा दी जाए। दूसरा एक जो विषय और निकल कर आ रहा है वो एक मार्ग को लेकर है, जो मार्ग यहाँ से अंदर होते हुए आगे की तरफ निकलता है उस रास्ते को खुलवाने के लिए भी आज ये पुरजोर कोशिश यहाँ की जा रही है। तो ये दो मुख्य मांगें हैं जिनको लेकर आज सुबह से ही यहाँ महाघेराव चल रहा है। और इस बीच जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो भी आगे हैं, पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ मौके पर मौजूद हैं, समझाइश की कोशिश ये भी हो रही है। इस बीच नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ भी मौके पर आते हैं, वो भी पूरा का पूरा विषय समझकर अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति बताई जा रही है कि वार्ताओं के भी जिक्र ज़रूर आ रहे हैं, मगर अभी ये पूरा का पूरा महाघेराव एक बार पुनः वहाँ जुटकर इस पूरे पूरे विषय पर चर्चा कर रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके हर एक पहलू तक पहुँचाए, जानिए आखिर यहाँ क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, मांगे हैं। मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह राणावत है, मैं यहाँ का स्थानीय कालीवास पंचायत से आता हूँ देलवाड़ा तहसील के अंदर, और हम लोग आज टोल का घेराव कर रहे हैं। और हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि देलवाड़ा तहसील के स्थानीय के अंदर जो 14-16 पंचायतें जो आती है, 14-16 पंचायतें आती है, उनको निःशुल्क किया जाए और हमें राहत दी जाए, क्योंकि स्थानीय को रहने वालों को एक को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, और हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिससे हम खुद आहत हैं। और हम चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है वो हमें सपोर्ट करे और टोल प्रबंधन से बात करे। और हम खुद बात हुई अभी और हमारी दो चीज़ों पर सहमति बनी है, या तो टोल फ्री किया जाए, या एक पास में एक नज़दीकी जो नक्शे में जो एक रास्ता दिया गया है जो सार्वजनिक है उसको खोला जाए उस बेस पे। तो अभी बात की जा रही है, उस पे देखते हैं क्या होता है। 5 बजे तक अल्टीमेटम दिया था, अब उस क्या है आगे की रणनीति देखते हैं, और अगर होता है तो ठीक, नहीं तो खोलकर साइड वाला रास्ता खोला जाएगा और टोल पे बुलाया जाएगा।